वेलकम, आप देख रहे हैं सीरियल रिपोर्टर। मैं हूं आतिका अहमद फारूकी एंड वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर जो लोग ये शो देख रहे हैं उनके घर में बच्चे होंगे। सो हम इस शो के माध्यम से इसके जरिए आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं एंड डू अन टू अदर्स एज यू वॉन्ट अदर्स टू डू अन टू यू। यानी कि बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत दीजिए, उनको बहुत सारा प्यार दीजिए और एक अच्छा सिटीजन बनाने की ट्रेनिंग दीजिए, इसलिए क्योंकि वो जब बड़े होंगे तो वही तो हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल होंगे एंड वी वॉन्ट आवर फ्यूचर टू बी सो ब्राइट। सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज का शो सिर्फ चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस डे के बारे में। ससुराल सिमर का की रोली और बालिका वधु यानी कि अविका गौर, जो कि बचपन में जो बचपन छोटी वाली बालिका वधु थी वो बना करती थी, वो अविका गौर अब बड़ी सी हो गई है। वैसे है नहीं, उनकी उम्र 20 से ज़्यादा नहीं है, बल्कि उससे भी कम है, लेकिन वो लगती काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। और अविका गौर ने कई सारे बच्चों के साथ हैप्पी चिल्ड्रंस डे मनाया और खुशियाँ मनाई। तो आइए आपको ले चलते हैं इस सेलिब्रेशन में, जहाँ बच्चे बच्चे मिल गए तो खूब मस्ती हुई। चेहरा गाके दिखाना, पकड़ पकड़ के पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कंधे पर स्कूल बैग टांगे ये लड़की है ससुराल सिमर की रोली, जिन्हें आप बालिका वधू में भी देख चुके हैं, और चिल्ड्रन डे के मौके पर रोली कर रही है अपने स्कूल की यादें ताजा। रोली को डांस करना पसंद है और अगर उन्हें बच्चों को कुछ सिखाने का मौका मिला तो वो बच्चों को डांस नहीं सिंगिंग सिखाना पसंद करेंगी, क्योंकि उन्हें बच्चे गाते हुए बहुत ही क्यूट लगते हैं। क्योंकि डांस मुझे बहुत पसंद है, और दूसरी चीज़ अगर मैं कुछ सिखाना चाहूँगी तो वो है बहुत से छोटे छोटे बच्चों को सिंगिंग, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे गाते हैं, मुझे बड़ा क्यूट लगता है, तो उन्हें मैं 2-3 गाने तो ज़रूर गवाऊँगी। रोली ने इस बार चिल्ड्रन डे पर प्रण लिया है कि बचपन से अभी तक जितने भी टॉयज उन्होंने घर पर संभाल कर रखे हैं उन्हें इस बार गरीब बच्चों में बांट देंगी। तो इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो जिसके मॉम डैड उनके लिए स्पेशल खिलौने नहीं ला पाते या ऐसा कुछ नहीं ला पाते, और मैं हमेशा कलेक्शन रखती हूँ। मैं बचपन से मेरे फर्स्ट बर्थडे की जो गिफ्ट्स थी मैंने आज तक संभाल के रखी हैं, और इस साल आई हैव डिसाइडेड कि जितने ऐसे बच्चे दिखेंगे मुझे मैं अपने सारे जितने भी खिलौने हैं मैं सब में बांटूंगी। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव डिसाइडेड दिस ईयर, एंड आपको भी अगर ऐसा कुछ मन करे तो प्लीज़ डू इट। इतना ही नहीं तो एटलीस्ट देर आर लॉट्स ऑफ NGOs, मेरे फ्रेंड्स में भी हैं ऐसे लोग जो व्हाट दे डू इज़ 10-15 बच्चों को इकट्ठा करते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, और उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में सिखाया जाता है, या तो कोई अलग तरह की ड्राइंग सिखाई जाती है, ग्लास पेंटिंग है वो उन्हें सिखाया जाता है। सो दैट इज़ समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, गो एंड डू इट फॉर एवरी चिल्ड्रन एंड यू रियली फील बेटर। चिल्ड्रन डे के मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें स्कूल की यादें और स्कूल में मनाया गया चिल्ड्रन डे की फीलिंग आने लगती है, कैसे वो स्कूल में चिल्ड्रन डे पर रेड रोज लगाकर जाया करती थी। अब मौका नहीं मिलता क्योंकि रोली अपनी 12th की पढ़ाई करेस्पोंडेंस से पूरी कर रही है। हाँ, चिल्ड्रंस डे पे एक चीज़ होती थी, हमें स्कूल में रेड रोज़ अपने पॉकेट पर लगा कर जाना था, और उनके जैसे नेहरू जी की तरह टोपी पहन कर जाना था, और उनके बारे में बहुत सारी बातें करनी थी। मैंने कभी नहीं की क्योंकि मेरी हिस्ट्री बहुत वीक थी, लेकिन मैंने हमेशा सुनी है, और सच्ची तो मुझे इतनी डिटेल में याद नहीं, लेकिन ऑब्वियसली चॉकलेट्स खाने का मौका मिलता है तो दैट इज़ द मोस्ट एक्साइटमेंट वाला पार्ट। स्कूल वाली फीलिंग आती है चिल्ड्रंस डे जब भी आने वाला होता है उसी में एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। नवंबर शुरू होता नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि अब तो चॉकलेट्स मिलेंगी, चिल्ड्रंस डे है, ये है वो है। खैर, आई एम डूइंग करेस्पोंडेंस 12th दिस ईयर, सो स्कूल में जो मज़ा आता था वो तो नहीं हो पाएगा इस साल। सेट्स पर भी सबसे छोटी होने की वजह से आज भी सब लोग रोली को पैम्पर करते हैं,
और कैसे सेट्स पर छोटी और क्यूट अंजलि उनके साथ अपनी बातें शेयर करती हैं। ऑब्वियसली सेट पे जो पैम्परिंग मिलती है मुझे, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट ऑन द सेट, ऑब्वियसली मेरे से छोटे भी अंजलि और संजना है, लेकिन यू नो हम तीनों को जो एक्स्ट्रा यू नो ट्रीटमेंट मिलती है चिल्ड्रंस डे के दिन, सो उसमें मज़ा आएगा। वो मुझे बहुत डर लगता है छोटे बच्चों से, और अंजलि और संजना जो है वो अभी थोड़े बड़े हैं, लेकिन उनको तो मैं ऐसे खींच के गोल गोल भी घुमाती हूँ तो उनसे डर नहीं लगता, लेकिन हाँ बहुत मज़ा आता है। और सिमर दीदी की जो बच्ची बनी है अंजलि स्पेशली, उसको बातें करने का बहुत शौक है, तो उसकी एक स्पेशल चीज़ है, वो आके कभी भी कुछ भी होता है वो आके बोलती मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बोलती नहीं मुझे मत बताओ, नहीं आपको पता है, नहीं मुझे नहीं पता, नहीं नहीं मैं बताती हूँ सुनो तो सही आपको पता है, तो वो ऐसे बात करते और उससे बात करके बहुत मज़ा आता है। तो उसको मेरी तरफ से और ससुराल सिमर का सारे बच्चों की तरफ से और सारे बड़ों की तरफ से भी बहुत बहुत यू नो शुभकामनाएं हैं। चिल्ड्रंस डे है, बहुत मस्ती कीजिए, चॉकलेट्स खाइए, और जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके लिए कुछ स्पेशल कीजिए इस बार। थैंक यू। चलिए जैसे ही इस बार रोली ने प्रण लिया है कि वो अपने टॉयज गरीब बच्चों में बांट देंगी, ठीक वैसे ही आप भी कुछ ऐसा ही प्रण लीजिए और गरीब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सोसाइटी में अपना योगदान दीजिए। सौरभ शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर। तुम साथ हो जब अपने, ला 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 ला। ये तो एक गाने के बोल हैं, लेकिन इस गाने के बोल से इंस्पायर होकर एक शो का टाइटल रख दिया गया, और वो है तुम साथ हो जब मेरे, नॉट अपने बट मेरे। सो अशनूर कौर जो है वो इसकी लीड रोल प्ले कर रही हैं, और हम यानी भास्कर न्यूज जब पहुंचा उनके सेट पर, उनके इस शो के सेट पर, तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करती हैं और उनके लिए बचपन की क्या चीजें खास हैं। गाना मुझे नहीं आता। तुम साथ हो जब अपने सीरियल के सेट पर पहुंचा सीरियल रिपोर्टर। अशनूर ने बताया कि वो चिल्ड्रंस डे पर क्या खास करती हैं और मम्मी पापा से क्या गिफ्ट लेती हैं। चिल्ड्रंस डे पे मैंने प्लान किया है कि मूवी देखेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे, फिर घर आ जाएंगे, एंड आई होप मेरे मम्मा पापा ने मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, क्योंकि वो हर ईयर ऐसा करते हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ बार्बी डॉल और किचन सेट एज अ गिफ्ट। वैसे तो अशनूर अभी स्कूल गोइंग गर्ल ही है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अपने स्कूल के पुराने दिनों को भी याद किया। हमारे हर ईयर चिल्ड्रंस डे में एक ओकेशन होता है स्कूल में, प्लेज होते हैं, डांस होता है, सिंगिंग होता है, और मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ और हमेशा मिडिल में रहती हूँ। तो एक बार लाइक अगर कोई भी डांस होता है तो मैं मिडिल में रहती हूँ, कोई भी प्ले होता है तो मैं मिडिल में रहती हूँ, मेन लीड होती हूँ। अभी कुछ देर पहले हमारे कुछ ओकेजन था, पता नहीं किसका, एंड उसमें एक प्ले था जीजस क्राइस्ट के ऊपर, जीजस क्राइस्ट के ऊपर, उसमें मैं मदर मैरी बनी थी, सो आई ऑलवेज बी इन द मिडल। साथ ही हमें ये भी बताया कि चिल्ड्रंस डे के दिन टीचर से किस तरह के सरप्राइजेस मिलते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि टीचर्स मेरे साथ कोऑपरेट करें, और एवरी चिल्ड्रंस डे पे क्या होता है, टीचर एक बड़ा सा केक लाती है क्लास के लिए और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स लाती हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और दैट्स मोस्टली चॉकलेट केक जो मुझे बहुत पसंद है। अब अशनूर इतनी बिजी हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का कम ही मौका मिलता होगा, और जब चिल्ड्रंस डे के दिन ये मौका मिला तो वो इसे मिस नहीं करना चाहती। फ्रेंड्स को कोई मैसेज यही देना चाहूँगी कि हैप्पी चिल्ड्रंस डे फ्रॉम माय साइड, और अगर मेरा शूट भी होगा चिल्ड्रंस डे पे तो मैं हाफ डे लूँगी, बिकॉज मैं चिल्ड्रंस डे को मिस नहीं करना चाहती। चिल्ड्रंस डे ऐसे होता है जिसमें मुझे फ्रीडम मिलती है, तो यू नो हर डे मम्मा बोलती है ये मत करो वो मत करो, चिल्ड्रंस डे मेरे बर्थडे ऐसे दो दिन है जिसमें मुझे फ्रीडम मिलता है करने के लिए सब कुछ। तो फ्रेंड्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि रीच ऑन टाइम एट द मॉल, और अगर मैं नहीं आई तो मेरा वेट करना, अकेला अकेला मत चले जाना। चलते चलते अशनूर ने हमें प्यारा सा सॉन्ग भी सुनाया, आई विल सिंग हम होंगे कामयाब।
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome one day. Oh, deep in my heart, I shall believe, we shall overcome one day. Bureau Report, Bhaskar News. और ये अशनूर कौर जो हैं, कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो ये बचपन से ही इसी तरह से एक्टिंग कर रही हैं और काफी साल हो गए इनको एक्टिंग करते हुए। इनफैक्ट झांसी की रानी जो शो आया करता था ना, उसमें छोटी झांसी की रानी थी, सॉरी झांसी की छोटी रानी थी, जी हाँ। और वो रोल जब प्ले करती थी तो इतनी प्यारी लगती थी, एक डार्क सांवली सी लड़की, छोटी सी बच्ची जिसकी आंखों में जरा भी खौफ नहीं था और चेहरे पे ललाट पे इतनी चमक हुआ करती थी। शी वॉज सो गुड फॉर दैट रोल। खैर अब तो बड़ी हो गई हैं, दूसरा रोल कर रही हैं, लेकिन आइए उनके घर ले चलते हैं आपको और वो हमें बता रही हैं कि उनके लिए ऐसी कौन सी चीज है बचपन से जुड़ी जो बहुत फेवरेट है उनकी। आप सबको मेरी और मेरे सारे दोस्तों की तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। इस छोटी झांसी की रानी अशनूर कौर को आप कई बार टीवी स्क्रीन पर देख चुके हैं और इस बार अशनूर ने चिल्ड्रन डे मनाया भास्कर न्यूज के साथ, जहाँ वो एक अलग ही मूड में दिखाई दी। उन्होंने अभी डॉल्स और टेडी बियर अपने साथ रखे और की खूब सारी मस्ती। अशनूर ने हमें अपने सभी डॉल्स से इंट्रोड्यूस भी कराया। इसी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का खाबोगे दिलों से चल बनाए आशियां का। इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का जिंदगी थोड़ा सा तेरा सा हो थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। चिल्ड्रन डे पर चाचा नेहरू के बर्थडे को अशनूर नहीं भूली। जी हाँ, अशनूर ने चाचा नेहरू आउटफिट में हमारे साथ की खूब सारी बातें शेयर। हेलो, मैं हूँ अशनूर कौर और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। जैसे आप लोग को पता है कि आज चाचा नेहरू का बर्थडे था और वो चिल्ड्रन से बहुत प्यार करते थे, इसलिए आज चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है और आज मैं भी उनके तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने उनके जैसे जैकेट पहना है। चाचा नेहरू लग रही हूँ ना? मैंने इसका नाम जादू रखा है। हेलो, और ये मुझे मेरे एक फैन ने दिया था, ये है बेला। हाय, रवि अंकल ने जो मेरे नए पड़ोसी के मामू जान बनते हैं उन्होंने मुझे दिया था जब हम जयपुर के लिए शूटिंग में गए थे। मेरे चेयरमैन सर ने मुझे दिया है, इसका नाम अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। एंड दिस इज कैरोलिन, ये मेरे पापा लाए थे यूएसए से। मैं इनके साथ आउटिंग पे जाऊंगी, इन सबको लेके आउटिंग पे जाऊंगी। यस, दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे विद देम। और मैं इनके लिए न्यू ड्रेसेस भी बनवाऊंगी। एक चिल्ड्रंस डे की इंटरव्यू मुझे आज तक याद है, मैं जब फर्स्ट इंटरव्यू थी झांसी की रानी में, वो जो भी पूछते थे चाचा नेहरू कैसे थे और वो क्यों चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते थे, मैं एक ही जवाब देती थी, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और इधर फूल रखते थे। वो क्यों बच्चों से प्यार करते थे? क्योंकि वो इधर फूल रखते थे। मैं हर क्वेश्चन का एक ही जवाब देती थी, सो अभी तक मुझे वो याद है और मैं देख के उसे हंसती रहती हूँ। अशनूर ने सभी को चिल्ड्रंस डे विश किया और हमारे रिक्वेस्ट करने पर पोयम भी सुनाई। जॉनी जॉनी यस पापा, Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, ha ha ha. Tom the cat is furry and fat. He sleeps on a mat and wears a hat.
Jerry the rat is thick and fat. He lives in a vat and tells the cat tit for tat. आप सबको मेरी और मेरे सारे दोस्तों की तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सौरभ शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज़। सीरियल रिपोर्टर में यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे किक्कू के पास। किक्कू शारदा नहीं पहचाने, पलक अब पहचान गए। जी हाँ, पलक नाम से मशहूर हो चुके हैं किक्कू शारदा और आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे, और वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और आपकी मुलाकात उनसे होगी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए भास्कर न्यूज। किक्कू शारदा रेडियो स्टेशन के एक इवेंट पर पहुंचे और उन्होंने बच्चों के साथ बड़ा वक्त बिताया। एंड यू नो व्हाट, पलक जो है ना, जो दो रोल निभाती है कॉमेडी नाइट्स विद कपल में, एक तो पलक और किक्कू बनते हैं एक बूढ़ी सी औरत जिसके बहुत सो अगली, बट बोथ द कैरेक्टर्स आर सच बिग हिट्स। और किक्कू बहुत ज्यादा पॉपुलर है बच्चों में खास तौर से। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किक्कू जब बच्चों से मिले तो क्या हुआ। चिल्ड्रंस डे पर मैं सभी बच्चों को विश करना चाहूंगा, आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। पलक बनकर किक्कू शारदा ने कई बार बड़ों को एंटरटेन किया है, लेकिन इस बार किक्कू पहुंचे बच्चों को एंटरटेन करने एक इवेंट पर। दरअसल चिल्ड्रंस डे के मौके पर किक्कू ने बच्चों के बीच आकर खूब मस्ती की और साथ ही ये भी बताया कि वो इस साल अपने बच्चों को चिल्ड्रंस डे पर क्या सरप्राइज देने वाले हैं। उन्हें कोई बर्फीली जगह पर जाना था जहाँ बर्फ गिरती हो, बहुत ही मजबूरी में, क्योंकि मैं बहुत बिजी था शूटिंग में और मैं बहुत ज्यादा उन्हें कहीं नहीं ले जा पाया, तो मैं उन्हें फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल ले गया और वहाँ पे एक बर्फ वाली जगह है जो उनके पास एक स्नो फ्लोइंग का एक बड़ा सा कमरा है, तो बस वो दिखा के मैं उन्हें ले आया। इट्स कॉल्ड स्नो वर्ल्ड आई थिंक। तो बस हाँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के चिल्ड्रंस डे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया हूँ। आई होप ये साल मैं कुछ कर पाऊँ। देखो यार, आप लोग मुझे टेंशन मत दो, क्योंकि मैं वैसे बहुत ऐसे शूटिंग कर करके मैं लेट घर पहुँचता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ वक्त नहीं बिता पाता, तो मैं लेकिन कवर अप करता हूँ। मैं वही जितना जितना टाइम बचता है उतना करता हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू इज दैट आई विल रैप अप शूट बाय अबाउट 2 o'clock और सो, और फिर बाकी का दिन मैं ऐसे ही, और अब ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये सब अपने बच्चों के साथ करते होंगे, लेकिन मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद यही है कि हम किसी मॉल में घूमें और एक मूवी देखें और खाना खाएं, गेम जोन में जाके गेम्स खेलें। ये मेरे बच्चों का मेन टाइम पास है जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही कराऊंगा उन्हें यार। आई गेस एंजॉय करेंगे वो। किक्कू ने केक काट कर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया, साथ ही बच्चों को अपना पलक स्टाइल डांस भी सिखाया। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें उनके अच्छे काम के लिए रिवार्ड्स भी दिए गए। किक्कू ने यहाँ अपने बचपन से जुड़े किस्से भी शेयर किए। यार बचपन में ना मैं बहुत ही थोड़ा उद्यमी बच्चा था, मैं थोड़ा ज्यादा जरूरत से ज्यादा एक्टिव था, जो कि मेरे ख्याल से आजकल मैं जितने बच्चे देखता हूँ ना, आज सब काफ़ी एक्टिव रहते हैं। फिर भी हमारे टाइम में एटलीस्ट इतना तो नहीं था, हमारे पास गेम्स और आईपैड्स और ये नहीं थे खेलने के लिए, फ़ोन्स वोन्स के ऊपर गेम्स नहीं खेला करते थे, वीडियो गेम्स इतने नहीं खेलते थे। बट फिर भी मैं अपने बचपन में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बहुत ही एंटिल डेट एक चीज़ है कि मैं आज भी मुझे बहुत ये सुनना पड़ता है मेरी माँ से और मेरी बीवी से भी, दे ऑलवेज कीप टेलिंग मी किक्कू व्हेन विल यू ग्रो अप। ये अब तक ये सवाल पता नहीं मुझसे पूछा जाता है, बट आई रियली थिंक कि ज़्यादा ग्रो अप होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक एवरी वन शुड हैव अ चाइल्ड इन यू एंड बी एज यू आर, बिकॉज आई थिंक बींग अ चाइल्ड इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। तो ज़्यादा ग्रो अप करने के एफर्ट ना करें। कोई आपसे ये भी कहे ना व्हेन विल यू ग्रो अप, आई विल नेवर ग्रो अप, आई डोंट वांट टू ग्रो अप। वैसे किक्कू जी की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो बचपन में काफी शैतान थे और उन्हें शैतान बच्चों से प्यार भी है। सर जिन पैरामीटर्स में मैं बच्चों को जज करूंगा इस चीज़ में, वो वही हैं जैसे मैंने बताया, हाजिर जवाबी, जो कि किसी भी सवाल का जवाब दे दें, जो कि जवाब को सही होना ज़रूरी नहीं है, उसका एक टेढ़ा जवाब भी वो दे सकते हैं, जो कि कभी कभी कहते हैं ना कि ये तो ओवर स्मार्ट आंसर हुआ, लेकिन चलता है एज़ फार एज़ यू हैव एन आंसर।
तो बातूनी हो, बात करने का बड़ा शौक हो, बहुत बातें करें, साथ साथ में इंटरेस्टिंग बातें करें। जैसे कई बार बच्चे को आप एक टॉपिक दे दो, अब वो टॉपिक के बारे में जानकारी है या नहीं है, लेकिन वो बोलता है और वो बहुत बोलने की कैपेबिलिटी रखता है। मैंने अपने बच्चों में देखा है, मैं मतलब पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, वो एक न्यूज़ में कुछ सुन लेंगे, उसको दोहराएंगे, जैसे उनको बड़ा पता है। उनका ये भी मानना है कि सर पापा मोदी जी को आ जाना चाहिए। मैं बोला तुम्हें क्या पता है यार, ऊपर नीचे उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन मोदी जी को आ जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो बहुत ही ओपिनियनेटेड हैं आजकल के बच्चे, तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से दीज आर द टू पैरामीटर्स दैट दे हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग, दे लाइक टू टॉक, एंड प्लस दे आर विटी, दे आर स्मार्ट, दे आर हाजिर जवाब एज दे से। किकू हाल ही में शाहरुख खान और दीपिका स्टारर फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में भी काम कर चुके हैं। भले ही किकू का फिल्म में छोटा सा रोल था, लेकिन शाहरुख के साथ काम कर उन्हें काफी अच्छा लगा। अब अच्छा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि शाहरुख ने उनके टॉक शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की इतनी तारीफ चुकी है। मैं जितना भी छोटा सा रोल था मेरा, लेकिन फिर भी शाहरुख खान एक बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं। मेरा बहुत लंबा काम नहीं था, मेरी एक दिन की शूट थी, लेकिन जितनी भी थी, जब मैं वहाँ पर पहुँचा, शाहरुख खान हैज़ ग्रेट रिगार्ड्स एंड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल द शो। वो शो के बारे में बहुत बातें कर रहे थे। मेरे को याद है जब मैंने शूटिंग की थी, तब वो और कलाकारों को, जिन्होंने कोई शो पे आए थे कोई नहीं आए थे, तो जिनको अगर जानकारी नहीं है उनको भी ये बता रहे थे कि हाउ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल इज़ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शो। और ये शाहरुख खान का खुद का कहना था कि आई नेवर एक्सपेक्टेड के इंडिया में इस जॉनर में ऐसा, क्योंकि ये विदेशों में देखा है ये टाइप के शो, जो कि इंग्लिश में एक गेस्ट को बुलाते हैं और गेस्ट से ऊटपटांग बातें भी हो जाती हैं और ये होता है, अंग्रेजी फॉर्मेट में ऐसे शोज़ को चलते हुए देखा है, लेकिन हिंदी में ये हो सकता है ये मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन इट इज़ अ वंडर हाउ कपिल शर्मा एंड द एंटायर टीम विद कपिल हैज़ कम अप विद दिस थिंग, एंड इट्स अ फैंटास्टिक शो। और मुझे याद है शाहरुख खान मतलब डिटेल में कि इसके बाद इनकी एंट्री होती है, उसके बाद दादी आती है, उसके बाद पलक आती है, ना ये गुत्थी, उनको नाम के साथ पूरे शो के बारे में पूरी जानकारी है और वो बहुत बहुत पसंद करते हैं इस शो को। सो एंड प्लस ही वॉज अ फैंटास्टिक प्रोड्यूसर यार, बहुत ही लाइविश और रिच तरीके से। मैंने तो महबूब स्टूडियो में या बैंड्रा में शूटिंग की थी, पर एक बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर है वो। किकू ने छोटे पर्दे से एक करियर शुरू किया। किकू FIR में गुलगुले बनकर भी काफी हंसा चुके हैं। इसके अलावा अकबर बीरबल और झलक दिखलाजा में किकू काम कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। उपासना और हिमानी शिवपुरी बड़े बड़े हैं, बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन वो भी बच्चे बन गए। उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली और बताया कि जब वो छोटे होते थे, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बब्लू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। खैर, ये तो बहुत पुराना गाना याद आ गया, लेकिन बच्चे मुझे एक्चुअली बहुत प्यारे लगते हैं। हमारे घर में भी बहुत सारे हैं ना, तो हर वक्त हल्ला रहता है। सो बचपन बहुत प्यारा होता है, और हिमानी शिवपुरी और उपासना भी बच्चे बन गए। उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली और बताया कि जब वो स्कूल में थी तो क्या क्या होता था। मेरी आवाज अच्छी नहीं है, आप बच्चे के गाने कहां से याद आएंगे। बच्चों के बीच बड़े भी बन गए हैं बच्चे। देखिए कैसे कपिल की बुआ यानी उपासना और हिमानी शिवपुरी ने स्कूल ड्रेस पहनकर बच्चों के साथ पढ़ाई करती नजर आ रही हैं। उपासना ने हमें ये भी बताया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो ये बाल दिवस है और इसमें हम क्या, जितने भी बड़े मेंबर्स हैं फैमिली के, वो सारे बच्चे बने हुए हैं, और जो बच्चे हैं वो सब टीचर्स बने हुए हैं, बड़े बने हुए हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि बच्चे जो चाहते हैं कि पेरेंट्स करें, वो पेरेंट्स से करवा रहे हैं। वो बोलते हैं कि तुम ये करो, अभी साइलेंस, अभी ये नहीं कर सकते, अभी बात नहीं कर सकते। तो बच्चे बड़े बने हुए हैं और बड़े छोटे बने हुए हैं, तो वो उस तरह से इन्होंने इसे पिक्चराइज कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। उपासना का बचपना काफी अच्छा रहा और उनकी बहुत सारी यादें बचपन से जुड़ी हैं। मेरा बचपन बहुत खूबसूरत रहा है। मेरे को बहुत अच्छी मदर मिली, बहुत प्यारी बहन मिली, और उन्होंने मुझे जो प्यार दिया है, बहुत ही
खुश नसीब लोग होते होंगे जिनको इतना प्यार नसीब होता है। और बचपन की बहुत यादें हैं मेरे पास। मेरे को याद है कि मेरी मदर ने कभी ऐसे हाथ तक नहीं उठाया मेरे ऊपर, मतलब कि मारना तो बहुत दूर की बात है। और मैंने एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी है बचपन। कपिल की बुआ वैसे तो हमेशा हंसती और हंसाती ही रहती हैं, लेकिन इस बार उपासना ने हमें गाना भी गाकर सुनाया। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वैसे उपासना का कहना है कि इस गाने की तरह उनका बचपन भी रहा है और उनको अपना बचपन बहुत याद आता है। मुझे जैसे बचपन में सब लोग स्कूल में जैसे पूछते हैं आप क्या बनोगे, तो कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कोई कुछ बोलता है, तो मेरे को जब टीचर्स पूछते थे तुम क्या बनोगी, तो मैं बोलती थी मैं एक्ट्रेस बनूंगी। मतलब ये ऐसा कई लोग बोलते हैं कि हम तो अचानक बन गए, लेकिन ऐसा नहीं, मेरा शुरुआत से ही ये रहा। जब मैं 6-7 साल की थी तब मुझे कोई पूछता था तो मैं बोलती थी एक्ट्रेस बनूंगी, और पढ़ाई में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। उपासना की ही तरह हिमानी जी भी अपने बचपन को काफी मिस करती हैं और उन्होंने भी अपने बचपन के किस्से हमारे साथ शेयर किए। नहीं, बहुत सारी वो बचपन की शैतानियाँ, वो जो हम स्कूल से कभी कभी जब बहुत छोटे थे किंडरगार्टन में तो स्कूल से भागकर जाते थे। मुझे याद है कि हम लोग को यही एक्साइटमेंट रहता था कि टिफ़िन जो मिला है ना उसको पहले ही खोल के खा लेते थे, मतलब जो ब्रेक है उसका वेट ही नहीं करते थे। तो हमको ऐसी हम लोग बहुत शैतानियाँ करते थे। हिमानी ने बच्चों के लिए एक प्यारा सा गीत भी गाया। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दो घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। और जाते जाते सारे बच्चों को दी बाल दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। सभी बच्चों को और सभी बड़े जिनके मन में बच्चा हो उनको चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाई। वैसे बच्चों के साथ आपका बचपना देख हमें भी बहुत अच्छा लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज़। Happy Children's Day to everybody, to one and all, and love your kids, and you also sometimes be a bachcha, because dil to bachcha hai ji. Aap dekhte rahiye Bhaskar News, goodbye.